हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बट अभी मैं खुद ठीक नहीं हूँ, फिर भी चलते हैं आज। और ये है दिल्ली एक्सप्लोरिंग अल्फाबेटिकली सीरीज का पहला एपिसोड। और आज हम लोग जाने वाले हैं लेटर ए से, जो है एक जगह हिडन प्लेसेस, वहाँ जाके आपको दिखाएंगे। तो अभी तो बज रहे हैं 10 और अभी मैं जा रहा हूँ क्लास, अभी जा रहे हैं मेट्रो पे, फिर मेट्रो लेके क्लास, और वो मेरे क्लास के अगल बगल में ही है, लक्ष्मी नगर के आसपास है। तो वहाँ चल के आपको मिलाते हैं। अभी तो अकेले जा रहे हैं और अमन भैया वहाँ आ जाएंगे, क्योंकि 2 घंटा मेरे क्लास रहेगा। फिर चलते हैं उधर, मिलते हैं आगे और इन्जॉय दैट प्लेस। भाई तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है, बोल नहीं पा रहे थे, फिर भी अभी सुबह सुबह गर्म पानी नमक वगैरह डाल के सब कुछ पिए हुए हैं। अभी थोड़ा नॉर्मल है, फिर भी सर्दी बहुत ज़्यादा, रात में तो फीवर भी था। कोई बात नहीं, होता रहता है, और इतने कमज़ोर थोड़ी ना है भाई, चलता है भाई ये सब। हो निकलो भाई, सिर्फ यही फीवर लगा, कोई बात नहीं, बस यही गला वो जो हो जाता है, लहरता रहता है, बोल भी नहीं पाते हैं। वैसे ब्लॉग स्टार्ट किए हैं तो बोलना ही पड़ेगा भाई। चलते हैं अल्फाबेटिकली जितना हो सकता है इस बीच में, क्योंकि हम जितना दिन है दिल्ली में, जितना बन पाएगा उतना हम बनाएंगे और दिखाते हैं आपको। और यहाँ लगा हुआ है मेट्रो का लाइन, चलते हैं, मिलते हैं आ गई। फाइनली क्लास ओवर और क्लास से बाहर आ चुके हैं, और भाई धूप बहुत गंदा लग रहा है, एक दिन में काले हो जाएंगे अब तो। और तबीयत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब सा लग रहा है, सर्दी खांसी फीवर थोड़ा थोड़ा सा है अभी। और क्लास में वैसे भी एसी चल रहा था, फिर भी आज तो बंद कर रखे थे सर को बोल के। चलते हैं, अमन भी पहुंचने वाले हैं, यहाँ से बगल में ही पड़ता है, ये नहीं पता कहाँ पड़ता है, क्या है क्या नहीं। वो 4 लाइन है जिस कारण से वहाँ यू टर्न है ही नहीं, तो बताया जा रहा है कि ये पहले यमुना के उस पार जाएगा, फिर वहाँ से यू टर्न। दिल्ली में यू टर्न नहीं मिलता भाई साहब। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं आगे। सो फाइनली आई हैव रीच्ड टू द लोकेशन, और वो है एशे अशीता पार्क, अशीता ईस्ट पार्क, और ये है इसका मेन एंट्रेंस। और अब चलते हैं, तो अभी तक नहीं आए हैं, वो अभी आ रहे हैं। हम तो पहुंच गए हैं और अभी वेट कर रहे हैं अमन भैया का, वो भी बस पहुंचने वाले हैं। ये एक टाइप का हिडन प्लेस है, बहुत को पता भी नहीं है, बट ये देखिए, ये यमुना का ब्रिज है, और ये यमुना के ब्रिज के जस्ट बगल में, फिर भी बहुत को नहीं पता। ऑटो वाले वो यही बोले हैं लोकेशन के लिए, फिर लोकेशन भेजे हैं, और फिर मे भी देखते हैं कब तक आते हैं। वो बस इसी साइड है, ये चेक करें कितना बड़ा है ये, वहाँ सब पिकनिक मना रहा है अंदर। ये देखो, ये कुत्ता भी इसमें घूम रहा भाई। चलते हैं, दिखाते हैं अंदर आप लोग को भी दिमाग। और ये है हमारे दिल्ली एक्सप्लोरिंग अल्फाबेटिकली सीरीज का पहला एपिसोड, वो है एशे अशीता ईस्ट पार्क। और बी सी डी अभी बहुत बाकी है, घूमेंगे फिर आपको पकड़ लेगा, दिखाएंगे। अभी चलते हैं पहला लेटर। अशीता ईस्ट पार्क, यह इसका फुल लोकेशन, इसमें क्या क्या है। अशीता ये यमुना का ही दूसरा नाम है, क्योंकि ये यमुना बैंक पे ही सिचुएटेड है, इसके बगल में यमुना है, और यमुना का ही पानी है पूरा ये, और रेनी सीजन में ये पूरा भर जाता है। अभी और उस साइड पड़ता है वॉशरूम, और इस साइड यह पार्किंग है ये नीचे में। चलते हैं, अब मिलते हैं आगे। काफ़ी बड़ा है ये तो, काफ़ी बड़ा, बाल बाल ख़राब हो गया पूरा, पसीना, गर्मी भी लग रहा है, तबीयत भी ख़राब था, लेकिन अभी सब नॉर्मल है। एक छोटा सा बर्ड सेंचुरी भी है, और काफ़ी प्लांट्स एंड ऑल है, मतलब ये समझ लो कि ग्रीनरी से ही रिलेटेड है पूरा। और यहाँ नो एंट्री फीस, नथिंग, नो पार्किंग चार्ज, अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, मे बी फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि अभी ये अंडर प्रोग्रेस ही है। अभी ये देखें रोड सब, अभी ये बनेगा ही, तो मे बी फ्यूचर में हो सकता है कि चार्जेस लगे, अभी तो कुछ नहीं है। और ये चेक करो वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी का है, और ये यहाँ सारा पेड़ सब है, ट्री सब, और सबके बारे में भी लिखा हुआ है। ये जैसे झाऊ, ये है क्या भाई, पहली बार सुन रहे, ये तो जाना पहचाना पेड़ है भाई, एक नाम है झाऊ। और यहाँ चेतावनी भी दिया हुआ है, और ये पूरा बॉडी, ये वाटर बॉडी है, अभी तो नॉर्मल है, वैसे ये दलदल टाइप का है आगे जाकर। और यहाँ बर्ड सेंचुरी
सुने थे ऐसा, लेकिन सिर्फ देखने को मिल रहा है पिज़्ज़ा नहीं, तो मेरे घर पे ही मिल जाएगा। एक वहाँ पे अगर ज़ूम करके ये है क्या, पिकॉक मोरनी है ये तो? नहीं नहीं पिकॉक नहीं है। तो होगा कुछ वो नहीं पता अब क्या है। और बाढ़ के टाइम ये पूरा भर जाता है पानी से, और वहाँ भी कोई है बाढ़ रेनी सीजन में। ये भी कोई झाड़ वाड़ ही है, उसके बारे में कुछ दिया हुआ है। अब चलते हैं आगे भाई। यहाँ इंट्रेंस पे तो कुछ लगता नहीं है, बस एक ये गेट रजिस्टर, यहाँ अपना नाम वाम देना पड़ता है और एंट्री टाइम और कब एग्जिट ले रहे। चलते हैं वाके। सिर्फ एक आदमी कोई लिख सकता है और जितना पर्सन है उसका वो कर देना है कितना नहीं। दीज आर द सम बर्ड्स विच आर फाउंड ओवर हियर, पर्पल हिरोन और ये कुछ ब्राउन हेडेड बर्ड वाइट, ये सब है रेड मुनिया। ये तो महीना जैसा ही लग रहा है, ये सब यहाँ वो रखे हैं इसलिए सबका लगा रखा है, जो जो यहाँ पे देखा जा रखा है। चेक करो पानी, ये वाटर बॉडी अच्छा लग रहा है वैसे, यहाँ पे वीडियो अच्छा आएगा। यहाँ दे रखा है बेड और ये हम लोग के इधर तो वैसे ही नॉर्मली मिल जाता है भाई। ये फैमिली पार्क है, फैमिली लोग आ रखे हैं खेलने वेलने के लिए, सब घूम फिर रहे हैं। और यहाँ तो हमको कुछ ज़्यादा बर्ड्स वर्ड्स दिख नहीं रहा, जैसे दिखा हुआ था पता चला था। यहाँ से भी कौवा सब दिख रहा है, वो बगुला। अब यहाँ इसको क्या बोलते हैं वो हमें नहीं पता, चलते हैं। ऐसे सही आएगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये पूरा पेड़ सबके बारे में यहाँ भी दिया हुआ है सिर्फ। और भाई फैमिली कम कपल्स ज़्यादा देखेंगे दिल्ली में, यही थोड़ा बस। और हम तो घूमते हैं बस, हम दो हमेशा हर जगह। यहाँ क्या इनॉग्रेशन दे रहे हैं भाई, चीफ गेस्ट श्री विनय कुमार सक्सेना, विजय कुमार सक्सेना रहना चाहते हैं यहाँ तो। 7 September 2022 यहाँ लिखा हुआ है मेरी यमुना। और भाई यहाँ क्या कितना पेड़ लगा है क्या वो सबके बारे में लिखा हुआ है। 3.35 million नंबर ऑफ रिवर लाइन ग्रासेस प्लांटेड बाई डी डी ए, फिर 5500 क्या ये फुटप्रिंट्स, बस ये बर्ड सब का वो दिया हुआ जो जो यहाँ पे फाउंड हुआ है। और ये पहले कैसा था का भाई, पहले कैसा था ये, अब जाके कितना अच्छा हो गया मेरी यमुना। ये चेक करो कुछ यहाँ पानी वानी तो है नहीं, अब ये पानी है यही लोकेशन है शिमला और ये वाला इधर का लोकेशन। और ये पूरा फिर यहाँ पे मैप और स्प्रिंग एट, ये सब कुछ इंट्रेंस का, ये सब कुछ देगा योगा इवेंट, बोर्ड वॉक इवेंट सब होता है यहाँ पे, कल्चरल इवेंट, ये स्कूल वाले आते हैं यहाँ पे इवेंट करने के लिए, उसका है फोन ऐड कर इधर पार्ट। और ये पूरा गेंदा का इधर लगा हुआ है नीम, ये नीम, ये भी नीम ही है लेकिन ब्लैक नीम हो रखी है, तो नीम ही है ये पूरा सूख रखा है। अभी थोड़ा सा सिनेमैटिक शूट करते हैं रील्स के लिए। हम लोग के यहाँ जो नाला वाला में नहीं हो जाता है पोखर सब में साइड से, वही है। आगे बस रोजेस ही रोजेस। कुछ झील टाइप का साउंड आ रहा है ना, का साउंड है, हमें तो लगा कहीं झील वील चल रहा है बहुत ज़्यादा। लाइट जलने पे कितना अच्छा लगता है, ग्रास लैंड। अच्छा ये रोज़ नहीं है, ये कोई और ही प्लांट है, ये भैया को पता होगा, अभिषेक भाई जी को पता होगा ये क्या है। डायरेक्शंस रिवर नर्सरी किड्स प्ले, अच्छा अच्छे जंगल में किड्स प्ले क्या। और एग्जिट तो जाए इधर चलते हैं, बड़े रिवर देख के आते हैं इधर क्या है भाई। इसमें साउंड जा रहा होगा, इसका कितना साउंड आ रहा है। ग्रास लैंड इसीलिए सिर्फ ग्रास ग्रास, और अभी फॉरेस्ट में एंट्री ले रहे हैं इसी गंज पे लिखा हुआ है फॉरेस्ट, और इसमें लाइट जलता होगा मे भी।
अच्छा लगता होगा नाइट में फिर तो ये। वी हैड स्पॉटेड अ सहतूत ट्री और अभी जा रहे हैं इसमें से खाने के लिए। इसमें दिख रहा है फल, जंगल ही जंगल, देखते हैं खा के। वैसे तो खा नहीं रखे ये है क्या। ये है सहतूत, जो ब्लैक कलर का रहेगा वही पका हुआ है बस। बहुत मीठा, बहुत सही है भाई, काफी सही। और ये भाई लोग सब सब्सक्राइबर्स मिल गए। सब्सक्राइबर कहाँ से हो आप भाई? हम नेपाल से हैं भाई। नेपाल से हैं भाई लोग। अच्छा, सब कोई नेपाल से ही आते हैं? तीनों नेपाल से। रहते कहाँ दिल्ली में? यहाँ पे लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन। कोई बर्ड या कुछ देखने को मिले या ना मिले, दिल्ली में हर पार्क वार्क में तो एक चीज़ देखने को मिलेगा, वो है मोर। और यहाँ भी आवाज़ तो आ रहा है लेकिन पूरा जंगल सा है। उधर होगा, उधर जाएंगे नहीं। और ये अभी जा रहे हैं हम लोग रिवर एरिया, यमुना ही है इधर। इधर है रिवर साइड एरिया लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे, यमुना है। और बहुत स्मेल कर रहा है इधर से ही बहुत, इसलिए कैंसिल कर दिया उधर जाना। अभी पार्क में और भी कुछ है दिखाने का, वो दिखाते हैं, चलते हैं। भाई वैसे तो वो हर जगह था ऐसा, वही प्लांट के आगे जो लगा हुआ है। और यहाँ भी जारुल नाम का ये हमको दिखा, हम इसीलिए यहाँ दिखा क्योंकि यहाँ आगे तो ये पेड़ ही नहीं है, बस ये दिखा हमको, लग रहा है यही है कुछ जारुल का, यही होगा ही, देखने से तो पत्ता ऐसा ही लग रहा है। इधर वहाँ लिखा हुआ था बोर्ड पे कि किड्स प्ले, और किड्स प्ले में तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, बस ये छोटा सा एक हट है। हाँ, आने वाले टाइम में ये सब चीज़ कम्प्लीट होगा, अभी ये न्यू है ही, अभी कुछ हुआ नहीं है उतना। और इधर क्या है, इधर यही क्लीनिंग जो वो सब होता है उसके। और वैसे हाँ, ये बहुत साफ़ है अभी, मतलब अच्छा खासा क्लीनिंग है, हर जगह डस्टबिन वस्टबिन लगा हुआ। अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो यहाँ गंदगी ना फैलाएं, डस्टबिन यूज़ करें कुछ, ऐसे ये है ना सब खा खा के यहाँ टिशू सब फेंक रखा है, ऐसा ना करें, डस्टबिन हर जगह यूज़ करें। ये इसका दूसरा वेरिएंट है वाइट वाला, वो था ब्लैक वाला और ये है वाइट वाला। ये है किड्स प्ले, बड़ा सा ग्राउंड है, तो बच्चे लोग उधर खेल भी रहे हैं। पानी सब नहीं दे रहा है, देखो यहाँ बड़ा है, सब पेड़ जल गया, इधर फिर भी नॉर्मल है कोई कोई पेड़। भाई पार्क तो काफ़ी बड़ा, काफ़ी सही है, सिर्फ ग्रीनरी है, वैसे कुछ खास लगा नहीं, नॉर्मल ही है। अब समझ लो ब्लॉग से समझ लो कैसा है, डिपेंड करता है आप पे आना है या नहीं, आ सकते हो ग्रीनरी देखने। वैसे विंटर में सही है, विंटर के लिए, समर के लिए सही नहीं। ये सही, कितना मस्त लग रहा है। कुछ लिखा हुआ ही है आई थिंक सो, या अशीता अशीता। फाइनली अशीता पार्क को बाय बाय करते हुए, इंटरेस्टिंग उतना था नहीं ये, बट ये काफ़ी बड़ा था। सही है भाई, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है बस, और वैसे कुछ खास नहीं है इसके अंदर। चलते हैं, रूम जाना है, टाइम लगेगा यहाँ पर। रिवर भी उसी यमुना का मिलता है, इसके नीचे यमुना उसी का मिलता है, रिवर भी। फ्रेंड्स फाइनली बैक टू होम, और ये था एक्सप्लोरिंग दिल्ली अल्फाबेटिकल सीरीज का पहला एपिसोड, अल्फाबेट ए से अशीता ईस्ट पर। भाई जगह तो सही है, ग्रीनरी है पूरा अच्छा खासा, बट समर के लिए सही नहीं, मे बी रेनी सीजन, बट वो फ्लडी एरिया टाइप हो जाएगा, वो पूरा फ्लड रेंस हो जाएगा, तभी भी नहीं सही है। विंटर में वैसे बेस्ट, विंटर के लिए तो बहुत सही, वैसे सही है भाई, शाम के लिए तो बहुत सही, वॉक वॉक पे जाना है, घूमने के लिए जाना है, बच्चों खेलने के लिए बहुत सही जगह है। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, जो होने वाला है अल्फाबेट बी से, वो तो हमें पता है क्या है, बट आप लोगों को वहाँ चल के दिखाएंगे कहाँ जाने वाले हैं हम। टिल देन बाय, टेक केयर। और वैसे जो तबीयत ख़राब था वो थोड़ा अब नॉर्मल है, सर्दी है बट फीवर ओवर नहीं है, नॉर्मल है अब तो। अच्छा, टिल देन बाय, टेक केयर, बाय बाय।